أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته हम लोग इल्म उल अमराज यानी पैथोलॉजी के अंदर जो है कदीम पैथोलॉजी ओल्ड इल्म उल अमराज जो है कदीम इल्म उल अमराज इसके टॉपिक के अंदर जो है हम लोग ने पहले तारुफ देखा है। आज हम लोग बात करने वाले हैं अहवाले बदन की, यानी बदन की जो हालतें होती हैं आज हम लोग उसके बारे में बात करने वाले हैं। अहवाले बदन बोलते हैं कि बदन में जो हालतें पाई जाती हैं उसके बारे में यहाँ पर हम लोग बात करेंगे। ह्यूमन बॉडी जिसे इंग्लिश में कहा जाता है, अब बदन के अंदर जो है अतिबाओं का जो है इख्तिलाफ है कि बदन की हालतें जो है अलग अलग तरतीब से पाई जाती हैं। तो बदन के अंदर जो है बीमारी यानी मर्ज और सेहत, और तीसरी हालत है हालत सालसा। तीन हालतें जो है पाई जाती हैं, सेहत, दूसरा है मर्ज, तीसरा है हालत सालसा। हालत सालसा जो है ये वो हालत है जो ला सेहत रहेगी और ला मर्ज रहेगी, यानी तीन हालतें जो है इंसानी बदन के अंदर जो है पाई जाती है। अब इसमें जो है सेहत, सेहत को हम लोग जो है हेल्थ कहते हैं इंग्लिश में, मर्ज को डिसीज, और हालत सालसा जो है उसे हम लोग कहते हैं हेल्थ मॉडरेट। यानी ना ही हालत सालसा के अंदर जो है ना ही सेहत पूरी बरकरार रहेगी और ना ही मर्ज पूरी तरह से लाहक रहेगा। अब यहाँ पर जालीनूस और बोली सेना, शेखुर रईस बोली सेना के मुताबिक जो है इख्तिलाफ है, तो हम लोग देखते हैं कि इनका इख्तिलाफ क्या है। तो जालीनूस और शेखुर रईस बोली सेना दोनों एक दूसरे जो है शागिर्द हैं। जालीनूस जो है ये उस्ताद है और बोली सेना जो है उनके शागिर्द हैं। तो जालीनूस ने जो है बताया कि बदन की जो हालतें होती हैं, बदन की हालतें एक तरफ मैं बता रहा हूं जालीनूस के और दूसरी तरफ बोली सेना के। जालीनूस ने जो है नंबर एक सेहत, यानी बदन में जो है तीन हालतें पाई जाती है जालीनूस ने बताया, सेहत, नंबर दो है मर्ज, और नंबर तीन है हालत सालसा। इन्होंने बताया कि बदन के अंदर जो है तीन हालतें पाई जाती हैं। इसके बाद जो है बोली सेना ने बताया कि बदन के अंदर सिर्फ दो हालतें पाई जाती हैं, एक है सेहत, दूसरा है मर्ज। यहां पर जो है इन्होंने अपने एतबार से जो है बताया है। अब इसके बाद जो है हम लोग चलते हैं सेहत की जो तारीफ है, हालत सेहत उसकी तारीफ देखते हैं। तो तारीफ के अंदर जो है हम लोग चलते हैं हालत सेहत की तारीफ की तरफ। यहां पर हालत सेहत यानी इंसानी बदन में तारीफ है इसकी कि इंसानी बदन में वो हालत जिसमें इंसानी जिस्म के आज़ा के अफ़आल यानी फंक्शन सही तौर पर अंजाम दिए जा रहे हों उसे सेहत या हालत सेहत कहते हैं। अब इसमें जो है सिर्फ एक इख्तिलाफ है कि बो अली सेना ने जो बताया और जालीनूस दोनों उस्ताद और शागिर्द के बो अली सेना ने बताया, बो अली सेना ने कहा कि वो तबई हालत जिसमें आज़ा सही ढंग से अपने अफ़ाल अंजाम दे रहे हों, यानी बो अली सेना ने कहा कि सिर्फ आज़ा यहाँ पर मुराद लिया है कि जो आज़ा इंसानी जिस्म के है वो अपने जो है अफ़ाल सही तौर पर यानी फंक्शन सही तौर पर अंजाम यानी सही ढंग से अंजाम दे रहे हो। और जालीनूस ने कहा कि सारे आज़ा यानी दोनों भी तारीफें जो है अपने अपने मुताबिक सही हैं। जालीनूस ने कहा कि सारे आज़ा जो है सही तौर पर अंजाम अपने फंक्शन अंजाम दे रहे हो।
इसके बाद में हम लोग चलते हैं हालत मर्ज की तारीफ, हालत मर्ज की तरफ। अब यहां पर जो है हालत मर्ज की जो तारीफ है कि इंसानी बदन की वो हालत है जिसमें इंसानी बदन के आज़ा के अफाल, यानी इंसानी बदन जो है उसमें अफाल के अंदर जो है मुदाखलत यानी दखल अंदाजी हो और अपने अफाल सही तौर पर जो अंजाम ना दे उसे मर्ज कहते हैं। मर्ज के अंदर जो है इंसान के जो बदन के अफाल है वो सही तौर पर अंजाम नहीं देंगे जो मर्ज बनने का जो है सबब बनेंगे। अब मर्ज को जो है इल्मुल अमराज के अंदर तीन जमातों में जो है तकसीम किया गया है, तीन जमातों में जो है हालत मर्ज को जो है तकसीम किया गया है। सुए मिजाज को जो है इंग्लिश में डायस्क्रेसिन कहा जाता है और डायरिया जो है तफरु के इत्तेसाल को कहा जाता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं सुए मिजाज की तारीफ। मर्ज के अंदर जो है सुए मिजाज की जो तारीफ है कि मिजाज का बिगड़ जाना या मिजाज का बदल जाना या बदन की खराबी की किसी खास वजू के मिजाज का एतदाल से ज्यादा खारिज हो जाना जो कहलाता है वो सुए मिजाज कहलाता है। यानी बदन के जो है जो अफाल है उसमें बढ़ोतरी आ जाना या किसी एतबार से वो बिगड़ जाना या उसके अंदर जो है खराबी का पैदा हो जाना जो कहलाएगा वो सुए मिजाज कहलाएगा। उसके बाद दूसरी जो तारीफ है सुए मिजाज को जो है इंग्लिश के अंदर जो है डिस्क्रेसिन भी कहा जाता है। इंग्लिश में डिस्क्रेसिन इसको कहा जाता है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं मर्ज तरकीब। मर्ज तरकीब की जो तारीफ है कि उज़्वे माऊफ का, उज़्वे माऊफ की साख्त का खराब हो जाना जो कहलाता है वो मर्ज तरकीब कहलाता है। अब मर्ज तरकीब के अंदर जो है एक लफ्ज आया है, उज़्वे माऊफ का जो है कि साख्त का जो खराब हो जाना है उसे जो कहते हैं मर्ज तरकीब कहते हैं। अब उज़्वे माऊफ क्या है? मुलहिक उज़ू, उर्दू के अंदर खास गहरी उर्दू में मुलहिक उज़ू जो है इसको कहा जाता है और इसका इंग्लिश वर्ड जो है वह है एफिलिएट मेंबर। यहां पर जो है मर्ज तरकीब के अंदर उज़्वे माऊफ का जो है साख्त का खराब हो जाना जो कहलाएगा वह मर्ज तरकीब कहलाएगा। अब तीसरे तारीफ की तरफ हम लोग चलते हैं तफर्रुक इत्तेसाल। तफर्रुक इत्तेसाल जो है इसको डायरियाज इंग्लिश में कहते हैं। इसकी जो तारीफ है कि किसी मुफर्रद व मुरक्कब उजू के अज्जा में फर्क आना, यानी कोई भी मुफर्रद उजू और मुरक्कब उजू जो हमने उमूर तबैया में आजा के अंदर देखा था, आजाए मुफरदा और आजाए मुरक्कबा, उनके अंदर जो है खलल पैदा हो जाना या उन अज्जा में कोई फर्क आ जाना। मिसाल के तौर पर जो है किसी उजू का जो है कट जाना, दूसरी जो मिसाल है कि उजू का फूलना या किसी उजू पर जो है सूजन का आ जाना, यानी या तो उसमें बढ़ोतरी आए कोई ना कोई फर्क आए या तो वो उजू एक दूसरे से अलायदा हो जाए कटने के बाद एक बीच में जो है एक लकीर आ जाती है या फिर उस उजू में जो है एक फर्क आ जाना जो सूजन के जरिए हम लोग देखते हैं। अब इसके बाद जो है हम लोग चले गए हालत सालिसा जो कि तीसरी हालत जालीनूस ने बताया जो कि उस्ताद है वो अली सेना के। तो जालीनूस ने तीन हालतें बताई है। हालत सालिसा ये जो हालत होगी इसे कहते हैं हालत ला सेहत ला मर्ज, इसे ला सेहत ला मर्ज भी कहते हैं। यानी हालत सालसा ला सेहत ला मर्ज, हालत सालसा की जो तारीफ है कि वो हालत जिसमें ना ही पूरे एतबार से पूरी सेहत हो ना ही पूरी तरह से मर्ज लाहक हो, उस तरह की जो हालत होती है जो इंसानी जिस्म में जो कैफियत पैदा होती है उस तरह की कैफियत को जो कहते हैं हालत सालिसा कहते हैं। ये जो बताए जालीनूस ने बताया है, अपनी किताब के अंदर भी इसका तस्करा किया है।
और उनके शागिर्द ने यानी बुआली सेना शेखुर रईस बुआली सेना ने बताया कि सिर्फ दो हालतें इंसानी बदन के अंदर पाई जाती है, अहवाले बदन में पाई जाती है, एक सेहत होती है दूसरी मर्ज होती है। इन्होंने कहा कि ला सेहत ला मर्ज की जो हालत होती है। अब इसके अंदर जो है मिसालें बहुत सी किताबों के अंदर मिसालें मिलती है, तो मिसाल हम लोग देख लेते हैं। मिसाल सबसे पहले जो है बच्चों और बूढ़ों की हालत इन्होंने ली है। इन्होंने ला सेहत ला मर्जी की एक मिसाल मैं लिया हूं बच्चों और बूढ़ों की। बच्चे यानी पूरी तरह से बच्चे और बूढ़े जो होते हैं वो सेहतमंद नहीं होते हैं, क्योंकि वो एक जो एडल्ट यानी बालिग जो मर्द होता है, बालिग औरत होती है, उसकी तरीके से जो है अपनी जो है इस्तेमाल यानी अपनी ताकत अपनी कुव्वत अपनी एनर्जी को जो है उस तरीके से वो नहीं अपनाते हैं। इसीलिए जो है बच्चे और बूढ़े जो है ला सेहत ला मर्ज यानी हालत सालसा के अंदर एक मिसाल में आते हैं। इसके अलावा अंधे लंगड़े और लूलो की हालत, यानी अंधे लंगड़े जो लोग होते हैं उनकी जो हालत होती है उसे जो कहते हैं ला सेहत ला मर्ज भी कहते हैं, क्योंकि जो अंधे होते हैं उन्हें अपनी आंखों से नजर नहीं आता, बल्कि उनका पूरा जिस्म जो होता है वो पूरे एक एतबार से अच्छी सेहत में होता है। इसीलिए जो है पूरा बदन जो है उनका सेहतमंद रहता है लेकिन उनकी आंखें नाबीना होती हैं, इसीलिए उस मर्ज को भी जो है ला सेहत ला मर्ज का नाम दिया गया है। इसके अलावा एक तीसरी मिसाल जो है बताए कि दम्मा और मिर्गी के मरीज, यानी वो सेहतमंद नजर आते हैं हालांकि वो मर्ज में जो है मुब्तला रहते हैं। दम्मा और मिर्गी जो बीमारी है इसके जो मरीज होंगे वो पूरी तरह उनको फिटनेस में सेहतमंद नजर आएंगे लेकिन उनकी वो बीमारी जो है उनको अंदर से जो है खोखला कर देती है। इसीलिए जो है और कभी भी दम्मा और मिर्गी के जो मरीज होते हैं कभी भी जो है दौरे का शिकार हो जाते हैं। ये जो हुई मिसालें ये हुई ला सेहत ला मर्ज की। अब इसके बाद में जो है इमाम राजी ने जो है यानी जिनको राजी कहते हैं जकरिया राजी, उन्होंने इनके दोनों यानी उस्ताद और शागिर्द के दरमियान इख्तिलाफ बताया है। यहां पर मैं एक लिया हूं जकरिया राजी ने जो है अपनी एक जो है किताब के अंदर लिखा है कि दोनों भी यानी उस्ताद और शागिर्द जालिनूस और बो अली सेना दोनों भी अपने अपने एतबार से जो है तारीफों के हिसाब से जो है अहवाले बदन की तकसीम यानी उनके उनको जो है तोड़ने में अहवाले बदन के हिस्से यानी उनकी तकसीम बताने के अंदर जो है दोनों भी अपने अपने एतबार से सही हैं। उन्होंने बताया जकरिया राजी ने कि बू अली सेना और जानीनूस के दरमियान जो है दोनों के दरमियान अपनी जगह जो है सही है। बू अली सेना ने बताया कि सेहत और मर्ज के बीच यानी दोनों सेहत और मर्ज के दरमियान तकाबुल मलका व अदम मलका का जो है गलबा होता है, यानी दोनों को जो है माना जाता है। बू अली सेना ने जो है तकाबुल मलका व अदम मलका को माना है और जालिनूस ने मर्ज और सेहत के दरमियान जो है तकाबुल तजाद को माना है। तकाबुल तजाद यानी मर्ज और सेहत के दरमियान एक अलग तरह से उन्होंने कैफियत पैदा की है जिसके जरिए से जो है हालत सालिसा जो होती है उसको मानना जो है जरूरी है, यानी ला सेहत ला मर्ज की जो हालत है, यानी उन्होंने अपने इतने एतबार से जो है थ्योरी सही पेश की। ये जकरिया राजी ने कहा है अपनी किताब के अंदर, इन्होंने बताया है। इसके बाद जो है हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के अंदर अजनास अमराज को जो है कंप्लीट करेंगे कि अजनास अमराज क्या है, यानी अमराज को जो है हमने देखा अमराज मुफरदा और अमराज मुरक्कबा की जो है तकसीम, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। जो लोग हमारे चैनल से यानी वाकिफ नहीं है उनको हमारे चैनल की लिंक सेंड करिए ताकि तमाम जो स्टूडेंट है उनको पढ़ने के अंदर आसानी हो जाए। इंशाल्लाह इसी तरह हम जो है वीडियोस अपलोड करेंगे और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जल्द अज जल्द जो है वीडियोस अपलोड की जाए। जज़ाकअल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।